राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि बच्चों के टीकाकरण के लिए शुरू किया गया केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष 5.0 कार्यक्रम स्वस्थ भारत की बुनियाद को मजबूती देगा। इस योजना से उन बच्चों तक भी लाभ पहुंचेगा जिनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राज्य मंत्री संदीप सिंह सरकारी अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष 5.0 कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। आयुष्मान योजना के तहत निर्धन परिवारों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से जल्दी पेहवा के सरकारी अस्पताल की नई बिल्डिंग में भी काम शुरू किया जाएगा। इसके शेष कार्य को पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि दवाइयों की कमी को पूरा करने के लिए अब अस्पताल लोकल स्तर पर भी खरीद कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें जिला हेडक्वार्टर से अनुमति लेनी होगी। इससे आम लोगों को दवाइयों की उपलब्धता में आसानी रहेगी। राज्य मंत्री ने दवाइयों के स्टाफ को लेकर भी रिकॉर्ड चेक किया। साथ ही अधिकारियों को बाढ़ के बाद पैदा हुई बीमारियों के रोकथाम को लेकर भी पूरे कार्य पूरे किए जाने के लिए निर्देश दिए। फेज था जिसमें 12 साल से कम आयु के बच्चों को तकरीबन 12 बीमारियों की ड्रॉप्स दी जाती हैं और गर्भवती महिला को वो ड्रॉप दी जाती है। तो मैं धन्यवाद करूंगा केंद्र सरकार का जिन्होंने ऐसी स्कीम चलाई है और आज काफ़ी निरीक्षण भी किया और बहुत जल्दी हमारा जो नया हॉस्पिटल है उसकी पेमेंट जो पेंडिंग है तकरीबन 6 करोड़ प्लस की है, तो वो इस हफ्ते में वो पेमेंट होकर उसका नया जो सामान है इंफ्रा जो है उसके बीच में लगने वाला वो सारा आ जाएगा जल्दी ही और उसको फिर उसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे हेल्थ मिनिस्टर द्वारा उसका उद्घाटन सर के इसको इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें ओपीडी और अर्पण के रूप में इसको जरूर हम इस्तेमाल करेंगे। सर पहले वाला जो हॉस्पिटल की जो पुरानी इससे भी जो पुराना है उसके लिए माननीय हेल्थ मिनिस्टर होम मिनिस्टर जो हमारे अनिल विज जी हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है और उसको हम किसी रूप में चाहे वो टीकाकरण या किसी विशेष रूप में उसको यूज़ करने के लिए हम उस बिल्डिंग को रखेंगे जिससे कि उसकी सफाई भी हो सके और वहाँ पर अवैध कब्जा जो सुनने में आया है उसके लिए भी सीएम साहब को और तहसीलदार साहब को कि वहाँ की निशानदेही करा के अगर कोई अवैध कब्जा कर रहा है उसकी रोक करें और उसकी चारदीवारी करने के लिए विभाग को लिखकर जिससे कि चारदीवारी हो सके वहाँ पर 2 रूम बनकर वहाँ पर टीकाकरण या कोई ऐसी जो वैक्सीनेशन के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकें।